आमिर आणि सत्यजीत असे घेऊन आलेले आहेत, नेमकं हे काय आहे म्हणजे इतकं प्रचंड मोठं तुम्ही घेऊन आलेले आहात? ऍक्च्युली हमने ट्रेनिंग के लिए दो मॉडल बनाए थे. ये दोनों मॉडल एकदम आइडेंटिकल हैं, डुप्लीकेट हैं एक दूसरे के. और फर्क इतना है कि ये मॉडल पे पान लोड का काम नहीं हुआ है और ये मॉडल पे पान लोड का काम जगह जगह किया हुआ है. देखिए पान लोड जो है वो कहीं पे भी हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं वाटर शेड. अंग्रेजी में वाटर शेड बोलते हैं, मराठी में पान लोड बोलते हैं. आप दुनिया में कहीं पे भी देख लीजिए, ज़मीन जो है वो एकदम फ्लैट नहीं होती, उसमें उतार चढ़ाव कहीं ना कहीं होता है. तो हर जगह इस भूमि में हर जगह आपको पान लोट मिलेंगे. तो हम एक काल्पनिक लाइन बनाते हैं कि ये हमारा मुंह है और अब इस मुंह से जितना एरिया आपको नज़र आता है, जहाँ से पानी बह के अंदर मुंह की तरफ आ जाता है, वो पान लोट का एरिया कहलाता है. जो एरिया जहाँ पे बारिश होगी और पानी इस तरफ बह जाएगा, वो पान लोट आपके पान लोट में नहीं आएगा. यहाँ गिरेगी बारिश, वो इस तरफ चला जाएगा. तो इसको हम बोलते हैं कगार, एज, इसको रिज लाइन बोलते हैं. ये रिज लाइन है. तो हर एरिया में आप देख सकते हैं कि यहाँ से पानी, चाहे वो बड़ा पहाड़ हो चाहे वो छोटा सा एक स्लोप हो, यहाँ से पानी जो है ये अंदर की तरफ आने वाला है और अल्टीमेटली वो जो हमारे नाला है उसके मुँह तक पहुँचने वाला है. तो ये एरिया इसको बोलते हैं पाणलोट का एरिया. लोकांना वाटतं की आमच्याकडे पाणलोट झालं असं लोक म्हणतात, पण ॲक्च्युली पाणलोट होत नाही, पाणलोट असतं. प्रत्येक गावात पाणलोट असतं, पृथ्वीच्या भूगर्भातील प्रत्येक, म्हणजे भूगर्भ नव्हे, पृथ्वीच्या प्रत्येक कणावर पाणलोट असतं. आणि हे मॉडेल बनवण्याचं एक फार मोठं उद्दिष्ट हे होतं की हे पाणलोट आपल्याला एका नजरेत संपूर्ण आपल्याला हे पाणलोट दिसतं, म्हणजे एक साधारण एक ॲव्हरेज गावाचं एक पाणलोट आपण असं बनवलेलं आहे. आणि त्याची व्याख्या हीच आहे की ज्या संपूर्ण क्षेत्राचं पाणी एका तोंडातून बाहेर वाहील ते एक पाणलोट. अब हम 4 लीटर पाणी लेंगे और पाणी को इस पे बरसाएंगे जैसे बारिश गिरती है. और हमें 3 चीज देखनी है. एक, इस जैसे पाणलोट जमीन पे जिसपे काम नहीं हुआ है पाणलोट का, उसमें पानी का क्या बिहेवियर है, पानी कहाँ जाता है, क्या होता है, कितना पानी बह के जाता है, कितना ज़मीन में जाता है. और वही चीज़ हम यहाँ दोहराएंगे, 4 लीटर पानी यहाँ पे भी डालेंगे और हम दोनों को कंपेयर कर पाएंगे कि जहाँ पाणलोट का काम नहीं हुआ है वहाँ क्या होता है और जहाँ पाणलोट का काम हुआ है वहाँ क्या होता है. तो ये मैं पहले टॉप सॉइल डालता हूँ. ये पूरा डब्बा मैंने टॉप सॉइल का खाली किया है. आप स्टॉपर्स रेडी है आपका? हाँ, okay. स्टार्ट. बस बस बस. हाँ, कितना सेकंड हुआ? मैं डालते रहूंगा. कितना सेकंड हुआ? 7 हो गए, 7 सेकंड. तो वो 7 सेकंड वो बोर्ड पे लिखिए. म्हणजे पाऊस जेव्हा पडतो एखाद्या गावात, त्याचंच हे एक प्रात्यक्षिक आहे की या पाणलोटावरती हा पाऊस पडलेला आहे. हम लोग यहाँ आके देख सकते हैं, ये जो थोड़ा पानी और भी आ रहा है, लेकिन आप इसमें भी, ये करीबन 3 लीटर पानी है. ये बाल्टी में आप देख सकते हैं कि 3 लीटर पानी इसमें आ गया है. अब हम यही चीज़ इस पे दोहराएंगे. ये मैं वही मट्टी अभी इस पे डालने वाला हूँ. तो यहाँ पे हमने अभी मट्टी डाली है, जैसे हमने उसमें एक डब्बा मट्टी डाली थी, इसमें भी एक डब्बा मट्टी डाली है. और अब ये 4 लीटर पानी जो हमने वहाँ डाला था, यही 4 लीटर पानी हम अभी, एक सेकंड. हाँ हाँ हाँ, पहले टाइमिंग करिए, हमें भूल जाता हूँ. तो आप अभी टाइमिंग करेंगे कि जब पानी गिरना शुरू हो, जब ऑन बोलेंगे तो मैं पानी शुरू करूँगा और जब वो बाल्टी में गिरेगा. हाँ, मैं बाद में यहाँ नीचे आता हूँ. हाँ, बाल्टी में जब गिरेगा तो आपको आवाज़ भी आएगी. तो गिरना जब शुरू होगा तब आप रोक सकते हैं. ओके, ठीक है. आप गो बोलिए मुझे. स्टार्ट. हाँ, हा थोडक्यात पाऊस पडतोय आता इथं. हा पाऊस पुन्हा पडतोय या गावात. आणि हे गाव, याचं जे टोपोग्राफी आहे, म्हणजे याची उतार चढाव जी आहेत, हे दुसऱ्या गावात सार, म्हणजे तेच गाव आहे ते. स्टॉप. कितना हुआ? 25 सेकंड. 25 सेकंड तो वहां लिखिए, 25 सेकंड.
इसमें पानी को कगार से मुंह तक पहुंचने के लिए 7 सेकंड लगे थे और इसमें पानी को कगार से मुंह तक पहुंचने के लिए 25 सेकंड लगे। तो इतने छोटे इलाके में जो 3 फुट का है 2 फुट का है उसमें आपको करीबन 3 गुना ज्यादा वक्त लगा पानी को। कारण असं आहे की इकडे आपल्याला हे सगळे स्ट्रक्चर्स दिसतात राजीव, म्हणजे तुम्हाला सगळ्यांनाच हे दिसतात की आपल्याला वरपासून खालपर्यंत असे अनेक उपचार दिसतात की ज्यामुळे पाण्याचा वेग मंदावलाय, म्हणजे किंबहुना अजूनही पाणी हे आपल्या या गॅबिनमध्ये अडकलेलं आहे, आपल्या मातीच्या नाल्याबांधमध्ये अडकलेलं आहे, आपल्या प्रत्येक स्ट्रक्चरमध्ये आपल्याला दिसतं पाणी अजूनही उभं आहे। और इसमें एक बहुत ही जो जरूरी बात है कि काम हमको माथे से शुरू करना है, ऊपर से हमको काम शुरू करना है। सबसे पहले अपन ट्रेंच से शुरू करते हैं, डीप सीसीटी भी उसको बोलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं जो खुदा हुआ है इसको सीसीटी बोलते हैं, ये इससे छोटा होता है और इससे मकसद ये है कि पानी जब आ रहा है जब बह रहा है तो वो इसमें रुके और फिर आगे जब ये भर जाएगा फिर ये आगे जाके जाएगा, फिर यहाँ हर जगह पे उसको हम रोक रहे हैं, जगह जगह पे हम उसको रोक रहे हैं। यहाँ वो महत्वाची गोष्ट ही है कि ह्याच्यात जेव्हा पाणी भरतं राजीव हे पाणी थेट भूगर्भात जात, म्हणजे या पाण्याचं बाष्पीभवनातन सुद्धा हेच उडून जाण्याचा होऊन जात नाही तर मूर्त आहे। होय मूर्त आहे। यहाँ पे आपको नजर आएंगे ये छोटे पत्थरों के बांध है, दगड़ जे लावत होते थे। हाँ, याला लूज बोल्डर स्ट्रक्चर किंवा LBS म्हणतात, लूज बोल्डर स्ट्रक्चर LBS। तो ये जो है ये जो हम पानी जो है अपना जगह ढूंढता है तो सालों सालों के बाद वो पानी में एक धार बनती है, तो धार को धीमा करने के लिए वो यहाँ पत्थरों का लूज बोल्डर स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिससे कि पानी धीमा हो और फिर वो आगे बढ़े, धीमा हो फिर वो आगे बढ़े। ये भी लूज बोल्डर स्ट्रक्चर है, गैबिन स्ट्रक्चर है, गैबिन स्ट्रक्चर है। आणि ही सर्व स्ट्रक्चर्स फक्त पाण्याच्या वेगाला कमी नाही करत तर माती अडवत राहतात, त्यामुळे ही जी माती वाहून गेली असती ही प्रत्येक ठिकाणी थांबवली जाते। म्हणजे या LBS मध्ये आपण 3 वर्षानंतर आलो तर हे अर्ध किंवा पाऊण हे गाळाने भरलेलं असेल, म्हणजे ती माती जी खाली जाऊन आपल्या निघून जाणार होती ती जागच्या जागी थांबली। ऍक्च्युली उसके पहले हम यहाँ आते हैं, ये देखिए ये मट्टी का बांध बना है, ये मट्टी का बांध बना है। मट्टी के बांध में खास बात ये होती है कि थोड़ी जगह छोड़ी जाती है जिससे कि पानी जो है जब भर जाए उसको रास्ता मिले जाने के लिए, वरना ये मट्टी का बांध जो है टूट जाएगा, फोर्स से वो टूट जाएगा। तो उसको भरने के बाद एक जगह मिल, यहाँ पे भी देखिए आप थोड़ा आपको जगह मिलेगा, ये माटी का बांध है। और इस तरह से पानी को जगह जगह हर जगह रोक रोक के हम लोग नीचे तक ले जाते हैं। ये जो खेती है इसमें भी आप देखें कि यहाँ पे फार्म बंडिंग हुआ, ये बंडिंग हुआ है तो यहाँ पे भी स्लोप है लेकिन यहाँ खेती हो रही है तो खेती का पानी भी जो है वो रुक रुक के बह रहा है। तो ये सीमेंट बांध में भी आप देखेंगे कि ये जो सीमेंट बांध है ये बनाया और ऊपर से ये गैप छोड़ा है जिसमें से पानी जब एक दफा भर जाए वो जा सके, टोटली हमको रोकना नहीं है। ये तो तुडुंब भर लगे थे ओवरफ्लो, और ये बड़े बड़े डैम नहीं है, ये छोटे नालों में ये जो सीमेंट स्ट्रक्चर्स हैं, देखिए यहाँ से पानी ऊपर से जा सकता है। तो ये इस तरीके से पानी को रोका जाता है। अब हम देखते हैं कि पानी कितना इसमें इकट्ठा हुआ है। ये दोन तुलनेसाठी हा आपला पहिला मॉडेलचं पाणी 1.5 लिटर आहे साधारणतः, हे पहिल्या मॉडेलचं पाणी हे आपल्याला दिसतंय की 3 लिटर पाणी हे या मॉडेलमधनं वाहून गेलं। आणि ह्या मॉडेल्स मी याचं एक काठी वापरणार आहे, म्हणजे आपल्याला एक साधारणपणे लक्षात येईल की हे किती गढूळ आहे हे पाणी। आता तुम्हाला लक्षात येईल याचा रंग, खरा रंग हे बघा की हे पहिल्या मॉडेलमधलं पाणी जे आहे हे पूर्णपणे माती घेत घेत अतिशय गढूळ पाणी माती सकट बाहेर निघालेलं आहे आणि 4 लिटरपैकी 3 लिटर बाहेर निघालं। की मग प्लीज लिहा 3 लिटर इकडे निघालं, इथे ऑलमोस्ट 2 लिटर्स, तो 2 लिटर लिखते हैं आणि इथे 1.75। यहाँ पे एक्चुअली जो यहाँ पे लूज बोल्डर आपने स्ट्रक्चर्स देखे हैं, यहाँ पे जब यहाँ पे घास आएगी आपकी मट्टी पर, जब घास आएगी बुशेस आएंगे, बुशेस को मराठी में क्या बोलते हैं, झाड़ झुड़प गवत जेव्हा याच्यामध्ये वाढेल, हाँ तेव्हा, और जब जंगल आएंगे जब पेड़ आएंगे तो आपकी मट्टी भी रुकी रहेगी क्योंकि ये चीजें मट्टी को रोक के रखती हैं, घास बुशेस ट्रीज। तो ये सब जो लूज बोल्डर आप देख रहे हैं यहाँ पे जब बुशेस पैदा होना शुरू हो जाएंगी और इसको हम थोड़ा हेल्प भी कर सकते हैं तो फिर ये स्ट्रक्चर आपका नेचर से आ जाएगा, नेचर जो है आपके पानी को धीमा करेगा।
देखिए इस मॉडल में आपको एक और चीज नजर आएगी कि जमीन के नीचे का भी हमने एरिया बनाया है, तो आप पानी का लेवल देख सकते हैं। एविडेंस निकाले ML. 200 ML फक्त निघालेले, म्हणजे 1 लिटर पेक्षा 200 ML भूगर्भात गेलं आणि 800 ML मातीत अजून अडकलेलं आहे. आणखीन एक मग आहे का? आता मॉडेल 2 मधून किती पाणी निघतंय आपण बघूया. ये पूरा जो पानी निकल रहा है वो मतलब जमीन के नीचे भूजल में जाके कलेक्ट हुआ है, जमा हुआ है. जे वाहून गेलं नाही, जे इव्हॅपोरेट झालं नाही, जे मुरलं संपतच नाही. अरे बाप, देखिए आप फर्क देख सकते हैं कि जहां पे पानलोड का काम नहीं हुआ उसमें इतना पानी गया जमीन के नीचे, और यहां पे जहां पानलोड का काम हुआ है कितना पानी इसमें कलेक्ट हो गया. तर आपल्याला कधी कधी लक्षात येत नाही की आपल्याकडे केवढं पाणी असतं. म्हणजे मी एक छोटस गणित सांगितलं तर चालेल का? हो. तर ते गणित असं आहे की आपण समजा एखाद्या गावाचं क्षेत्र 1000 हेक्टर म्हणून आपण ग्राह्य धरलं, विच इज एन ऍव्हरेज विलेज, आणि त्या गावात अत्यंत कमी पाऊस पडला, म्हणजे 400 मिलीमीटर समजा त्या गावात पाऊस पडला, 400 मिलीमीटर म्हणजे दुष्काळी प्रवण क्षेत्रात जेवढा पाऊस पडतो तेवढा पाऊस. तर हे थोडं गणित मी केलं, मी लिहून आणलंय म्हणून मी वाचून दाखवणार, कुठे चूक व्हायला नको त्याच्याबद्दल. की त्यातनं 400 कोटी लिटर पाणी हे त्या एका गावात पडतं. केवढं? 400 कोटी लिटर. हे टँकरमध्ये आपण सांगायला गेलो तर केवढे टँकर झाले? 4 लाख टँकर. 4000 नव्हे, 40000 नव्हे, तर 4 लाख टँकर हे निव्वळ एका गावात. आता पाणी जे वाहून जातं, रन ऑफ ज्याला आपण म्हणतो, पळून गेलेलं पाणी आपल्या गावातनं, हे ऑन ॲव्हरेज 40% तरी जातच जातं. त्याला अपधाव म्हणतात, रन ऑफ. कोकणमध्ये जास्त जातो? कोकणात 95% पाणी हे रन ऑफमध्ये जातं. प्रचंड पाऊस, डोंगरावरनं प्रचंड वेगाने ते पाणी निघून जातं. डोंगराळ विभागात सुद्धा ह्याचा अपधावाचं प्रमाण खूप जास्त असतं 40%. परंतु आपण एक, चला आपण कमी आकडा धरूया, तर 40% जर आपण धरलं तर या आपल्या गावामध्ये, ज्या गावाचं मी अगोदर वर्णन केलं, त्याच्यात 160 कोटी लिटर पाणी हे धावून जातं. केवढं? 160 कोटी लिटर. म्हणजे किती टँकर? 1,60,000 टँकर. बहके जा रहा है, बहके जा रहा है. मतलब गावने दे दिया, वो उसका है, गाव का है, गावाने दानशूरपणाने देऊन टाकलं. हे गाव किती देत असेल दानशूरपणाने? तर समजा आपण टँकरचा भाव 3000 रुपये प्रति टँकर आपण धरला, तर ते एक गाव, लहानसं गाव, इवलंसं गाव, ज्याची ज्याचं क्षेत्रफळ निव्वळ 1000 हेक्टर आहे, त्यांनी 48 कोटी लिटरचं पाणी हे असंच वाहून देईल. किती? 48 कोटी लिटर एका गावात. 1000 हेक्टरच्या गावामध्ये जर आपण जलसंधारणाचं काम केलं तर आपण 80 कोटी लिटर. बापरे, म्हणजे किती जलदूत झाल्या, कितीतरी जलदूत. गणित कुणाचं चांगलं आहे? माझं चांगलं नाही. म्हणजे किमान मला वाटतं की म्हणजे 1000 जलदूत, लाखो जलदूत. हा, हे फक्त एक गाव वाचू शकतं, छोटं गाव, एक लहानसं गाव वाचू शकतं जर त्यांनी ही जलसंधारणाची कामं केली. आणि हाच आपला प्रयत्न आहे की प्रत्येक गावाने हे करण्यासारखं काम आहे. फार खर्चिकही नाही आहे, फार टेक्नॉलॉजिकली फार कठीणही नाही आहे, तर हे प्रत्येक गावाने करण्यासारखं काम. ये जो काम है इसमें आपको इंजिनियर की जरूरत भी नहीं पड़ती है. वो जो सीमेंट का जो है वो बांध में इंजिनियर की थोड़ी आपको जरूरत पड़ेगी, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो आपको, मतलब सरकार के भी लोग हैं जो आपको इसमें हेल्प कर सकते हैं. आमिर आणि सत्य हे इतकं म्हणजे समजायला सोपं आणि अक्षरशः डोळे खाडकन उघडवणारं असं तुम्ही प्रात्यक्षिक आम्हाला दाखवलं, दोघांचेही खूप आभार. आपण एक छोटासा ब्रेक घेऊया, आपल्याला आणखीनही काही गोष्टी यांच्याकडून जाणून घ्यायच्यात. प्रत्यक्षामध्ये सगळ्यांची उत्सुकता जी आहे ती वॉटर कप कोण जिंकणार त्याच्यासाठीची तयारी, त्याच्यामध्ये खूप प्रेरणादायी अशा कहाण्या आपल्याला बघायला मिळत आहेत, त्याही आपल्याला बघायच्यात एका छोट्याशा ब्रेकनंतर. पाहत रहा दुष्काळाशी 2 हात, ABP माझावर.